अस्सलाम वालेकुम पात न्यूज़ जॉब्स में खुश आमदीद। दोस्तों ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट ले आऊँ आप लोगों के लिए। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसमें जॉब्स आई हैं जिसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, ये मुख्तलिफ शहरों में है। ये बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट दी है उन्होंने जिसमें सारी डिटेल उन्होंने दे दी है, यानी आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये अकली इंतजा चाहिए, उम्र कितनी हो, और हर शहर का अपना मेरिट उन्होंने दे दिया है, हर ज़िले का। ये थे नंबर पहले पे है जूनियर ऑडिटर जिसका BPS 11 है, टोटल असामी तदा 13 है, ओपन मेरिट पे थे पंजाब से 6 हैं, सिंध से 2 हैं, यानी सिंध इन्होंने बता दिया, रूरल और अर्बन ये दोनों उसमें दे दिया उसने। अच्छा, तेपिते से 2 और बलूचिस्तान से 1 चाहिए। उम्र 18 से 25 साल और साथ में 5 साल रियायत भी मिल जाएगी। तलीम देते हैं हायर एजुकेशन की तरफ से, तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से, या तो कॉमर्स में, अकाउंटिंग में, या फाइनेंस में, या बैंक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फाइनेंस अकाउंटिंग में, या मतलब सेकंड डिवीजन या ग्रेड सी बैचलर डिग्री हो, या फिर नीचे फिर पूछ दिया कॉमर्स अकाउंट्स फाइनेंस बैंक बिजनेस में बैचलर डिग्री हो, और साथ में वही सेकंड डिवीजन हो, सेकंड क्लास और ग्रेड सी हो। फिर नीचे उन्होंने बता दिया भाई कंप्यूटर जानते हो और 30 अल्फाज फी मिनट की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। तो ये तो आदि उसके लिए जूनियर एडिटर के लिए। अब ड्राइवर के लिए इतने 2 पोस्ट हैं, ये अच्छा, ये जो 2 हैं पोस्ट हैं ये इस्लामाबाद के लिए ऊपर इतने। अच्छा, इसमें इतने प्राइमरी पास हो और साथ ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए और ट्रैफिक कवानीन की अच्छी बात किया तो। अच्छा, फिर आ जाते हैं, ये आते हैं वही इस्लामाबाद में डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस सस्ते 14 है, ये असामी चाहिए पंजाब से मेरिट पे, और साथ में इन्होंने ये दे दिया है उम्र 18 से 25 साल हो प्लस 5 साल मेरी है तो नहीं चाहिए। अब दिल्ली में आते हैं, इसमें हायर एजुकेशन मिशन से तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस ये बैचलर डिग्री हो, और साथ में डेटा एंट्री की कम अज़ कम रफ्तार 10,000 CPH हो। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी जूनियर एडिटर, ये भी हुई जैसे ऊपर था, 11 से 24 हैं, ओपन मेरिट पे 2, पंजाब से 12 चाहें, इस तरह सिंध रूरल से 3, सिंध अर्बन से 2, तेपिते से 3, बलूचिस्तान से 1 और फाटा से 1 चाहिए। ये इतने इसमें 18 से 20 साल और 5 साल की रियत, ये भी वही ऊपर जो था वही इसमें सारी डिटेल दी हुई है। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी टेलीफोन ऑपरेटर, ये पंजाब से चाहिए 18 से 25 साल और 5 साल के, तो ये तलीम इंटरमीडिएट हो, यानी 7-2 साल तजर्बा हो, FA पास। फिर नीचे नायब तहसीलदार, ये टोटल 18 है, ये मकाम है यानी वो जो इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें तरजीह दी जाएगी, तो ये टोटल 18 चाहिए, उम्र 18 से 25 और 5 साल हो, प्राइमरी पास हो। अच्छा, ये तो थे ना ऊपर वाले थे इस्लामाबाद में, और नीचे वाले थे ये नंबर 3 दिए हुए, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू सब ऑफिस लाहौर, तो इसने नीचे एड्रेस बता दिया, तो यहाँ पे उन्हें भी चाहिए लाहौर में, तो जो लाहौर में रहने वाले हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या जो लाहौर से आस पास हैं, यहाँ पर आप पंजाब से भी 2 अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब से। तो जूनियर एडिटर देते हैं इसमें 2 और खैबर पख्तूनख्वा से भी अप्लाई कर सकता है इस सीट पे। तो 18 से 25 साल वही जमा 5 साल अमूमी रियायत, और फिर ये थे ये उन्होंने बता दिया हायर एजुकेशन मिशन से कॉमर्स अकाउंटिंग फाइनेंस या बैंक बिजनेस एडमिशन या फाइनेंस अकाउंटिंग में सेकंड क्लास में या ग्रेड सी बैचलर डिग्री हो, ये वही जो ऊपर जब उसने पूछा हुआ है। अच्छा, फिर आ जाते हैं इतने जूनियर एडिटर, ये 22 चाहिए उन्हें, और ये कराची के लिए थे, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू सब ऑफिस, तो जो सब ऑफिस है उसके लिए उन्हें ये चाहिए रिक्वायर्ड 22। तो इसमें भी वही ओपन मेरिट पे 2 है, पंजाब से 11 कर सकते हैं, और उसमें भी मेरिट बना दिया, यानी मेरिट पे 9 खवातीन ऐड और अकलियत भी ऐड कर सकते हैं अप्लाई, इस तरह सिंध रूरल, सिंध अर्बन, बलोचिस्तान, फाटा, ये BHC में अप्लाई
कर सकते हैं। फिर नंबर 9 पर टेलीफोन ऑपरेटर हुई पंजाब से, 8 मेरिट तो इंटरमीडिएट हो। यानी नायब तहसील 9 तो दाद है और ये सिंध वाले जो हैं उन्हें तरजीह दी जाएगी जो मकामी हैं। प्राइमरी पास हो, स्वीपर ये भी प्राइमरी पास, ये भी वही मकामी सिंध में रहने वाला जो है। तो इस तरह 24,000 इसी भी दो पोस्ट हैं, ये भी मकामी। फिर रहते हैं, फिर ये पेशावर, पेशावर में भी आई हुई हैं जून डायरेक्टर, 12 पोस्ट हैं, पंजाब से 6, सिंध से 8, सिंध अरबन से 8, खरपुख्तनख्वा से 8, बलोचिस्तान से 8 और फाटा से 8। ईसाई हुई जो पहले हमने पढ़ी ये वही दोबारा बार बार ये आ रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ शहरों के लिए हैं। या मज़ीद आप देख सकते हैं, फिर लाहौर में आ गए जो, फिर कराची आ गया, फिर कोटा आ गया, फिर पेशावर है। तो इस तरह से ये टोटल सारी ये जॉब्स हैं, मैं वेबसाइट पे लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इख्तियार पूरा पढ़ लें जी, जिसने जिसको अप्लाई करना है। टोटल 411 पोस्ट हैं, तो अप्लाई कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं। ये है इसकी वेबसाइट, आपने इस पर njp.gov.pk पे आना है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब आपने सर्च करना है, मतलब आपने कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना है, तो ये भी थोड़ी देर में आ जाता है जी। तो मिसाल तौर पे मैं इसमें जॉब टाइटल दे देता हूँ और नीचे जो इश्तिहार था इसमें देखते हैं हम, मसलन ये पहले नंबर पे था ना, देखते हैं जूनियर ऑडिटर, तो इस पे अगर अप्लाई करना है मैंने, तो इस पे आते हैं या लेते हैं जूनियर ऑडिटर। तो जूनियर ऑडिटर, तो जैसे ये लिखते हैं तो यहाँ पे इतने वादे हैं जूनियर ऑडिटर। आप नीचे फिर पूछ दिया ऑफिस ऑफ कंट्रोल जनरल अकाउंट्स, ये नीचे दिए हुए थे। और इसमें आप दे सकते हैं ये इस्लामाबाद के लिए है, ऊपर वाला हेड क्वार्टर के लिए था, नीचे इतना ये लाहौर के लिए है, और फिर ये दोबारा फिर वही आ रहा जूनियर ऑडिटर, ये कराची के लिए है, ये पेशावर के लिए है, और ये है क्वार्टर के लिए, और ये बल्तिस्तान, और नीचे फिर लाहौर आ गया। तो यानी मिसाल तौर पर मैं लाहौर पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे जूनियर ऑडिटर लाहौर पर सिलेक्ट करना है, नीचे अप्लाई नवाया हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है। ये थे इस तरह से ये इश्तिहार ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने लॉगिन या साइन अप करना है। तो ऑलरेडी आपने njp.gov.pk पे अकाउंट बनाया हुआ, तो आप लॉगिन कर लें, वरना फिर आप ये यहाँ पे साइन इन आया हुआ है, अब आपने साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऐसे साइन अप में आपने नीचे आपने बताना है आप साइन अप कर रहे हैं, अपना यहाँ CNIC नंबर दें जो भी है, 12345, नीचे अपना ईमेल एड्रेस दें, अपना पासवर्ड, फिर दोबारा पासवर्ड, इस तरह आप साइन अप कर लें। उसके बाद आप साइन इन होने के बाद आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।